गिलौटी कबाब, गिलाफी कबाब, मटन सीख कबाब, फिश टिक्का, जंगली परौंठा, गार्लिक चिली नान. That's the actual idea of having a successful restaurant business. I request all the customers, एक बार ही आके guaranteed खाना try करके देखिए. We will not never disappoint you. Oh guys, ये है मगज. Have a look at this. कमाल ही लग रहा. 3, 2, 1. Yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shoro and स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर. पिछले व्लॉग के अंदर मैं गया सी उत्थे किथे गबरूदा नावा सेक्टर 29 नोएडा के अंदर. आज मैं 29 सेक्टर में हूँ. ये बाई चांस मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आप वहाँ गए, हमारे यहाँ नहीं आए. Anyway, इन्होंने बताया हमारे यहाँ पे ना ब्रेन तवा मसाला जो मगज होता है, उसके अलावा बर्रे कबाब प्लेटर, फिश टिक्का टुक्का, मतलब इनका हमारा बहुत ज़्यादा खास है. इन्होंने कहा आप हमारे आगे खाना ट्राई कीजिए. एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फूड. इन फैक्ट ही आल्सो टोल्ड मी कि जो हमारी क्रिकेट टीम के वो बॉलर है मोहम्मद शमी, उनके अब इन्होंने केटरिंग की थी. मैं कहा अच्छा, मतलब ही इज वेरी हैप्पी विद हिज फूड. एनीवे, मिलते हैं इनसे, पूछते हैं क्या क्या स्पेशलिटी है, वही सब ऑर्डर करेंगे, थोड़ा किचन का ग्लिम्स लेंगे, विल सी हाउ दे प्रेजेंट देयर फूड, उसको टेस्ट करूंगा, जेन्युइन फीडबैक दूंगा. वीडियो के अंत तक बन रहे ना, बहुत मजा आएगा. चले लेट्स गो. गाइस ऑर्डर करते हैं. कैसे सर? गुड थैंक्स यार. आपका नाम? आई एम सॉरी, मेरा नाम रमित सुनील खन्ना. रमित, हाय रमित. अच्छा रमित, क्या खिलाने वाले हो आज यार? आज मैं आपको अपने स्टार्टर्स खिलवाऊंगा, जिसमें से टिक्के का प्लेटर है, अच्छा मोमोज हैं और कबाब्स हैं. कबाब हमारे फ्रेशली हैंडमेड होते हैं. अच्छा, रिसेंटली हमने गलौटी कबाब स्टार्ट करा है. अच्छा, इसके अलावा मेन कोर्स में कोई बटर चिकन है कुछ नहीं. हाँ, देसी अपना मगज, हाँ, ब्रेन करी और हाँ, एक देसी तवे वाला लेमन चिकन. क्या बात है, मुँह में पानी आ गया. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है थैंक्स. ये पूरी इनके रेस्टोरेंट की ना लुक एंड फील है, सारी लाइव किचन है. यहाँ पे किचन एंटर करते हैं. वेरी हैप्पी, सब ने मास्क वगैरह पहन रखा है. एंड दे हैव अ वेरी कूल जर्सी एज वेल, कुकड़ू कू. हाँ, सो स्वीट यार. गाइस यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ बन रहे हैं मोमोज लाइव, बिल्कुल फ्रेश. गाइस ये बिल्कुल रॉ है, अब ये स्टीम होगा प्रॉपर तरीके से. गाइस यहाँ पे ट्रेन करी की तैयारी हो रही है. यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टाफ है ना, सब ने काम चालू कर दिया अपना. ये सारे मसाले मसूले डाल रहे हैं और ये ब्रेन अंदर डाल दिया. गाइस यहाँ पे मटन सीख हो रही है, अगेन वेरी इंप्रेसिव. अपना इनका मिंस्ड मीट का मसाला बना हुआ है, बाहर से रेडीमेड सीख नहीं है. ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत मैटर करती हैं यार. चिकन सीख गला हुआ. और गाइस यहाँ पे चिकन सीख हो रही है, सो ये देख लो ऐसे काम हो रहा है. दिस इज चिकन सीख गिलौटी. अच्छा गिलाफी. ये क्या लग रहा है भैया? ऐसे पेपर्स हैं ये लाल लाल किला शिमला. गाइस अब मलाई टिक्का लग रहा है. आई एम श्योर ये जो कबाब प्लेटर्स वगैरह बोल रहे थे ये उसी में होगा. ये देख लो, मोहम्मद शमी जी के घर पे ही थी पार्टी. कहाँ पे हुई थी सर? घर पे पार्टी थी. अच्छा घर पे पार्टी थी, इंदिरापुरम. तो सारी टीम आई हुई थी? अच्छा इंटायर क्रिकेट टीम. गाइस ये कुछ फोटोज लगा रखी है, इंटायर क्रिकेट टीम आई थी. इन्होंने वहाँ केटरिंग करी थी अपने खाने की, मतलब अपना केटरिंग का पूरा पूरा है जी. अपना केटरिंग का पूरा काम है जी. अच्छा होम केटरिंग वगैरह प्रॉपर कर सकते हो, होम पार्टी वगैरह, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो किसी में भी. अच्छा केटर करते हैं. और वैसे अदरवाइज ये हमारे जो शॉप है ये डेली खुली होती है? डेली 365 डेज ओपन रहती है. एंड ट्यूसडेज को भी मिलता है नॉनवेज? ट्यूसडे भी मिलता है. अच्छा बहुत बढ़िया. गाइस ये लेमन चिकन की तैयारी हो रही है. ये क्या ग्रेवी जैसा होता है? क्या होता है? दही की ग्रेवी होती है. हमने दही डाली है ना.
गाइस कुछ और देखते हैं, ये तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, बन गया ना ऑलमोस्ट, बन गया यार। गाइस ये सीख बाहर निकल के आई है, ये तो कमाल लग रही है यार, गिलाफी सीख एब्सोल्युटली खिला। नॉर्मली जब मैं पहले गिलाफी खाता था तो पेपर्स अंदर से लगे होते थे, इसमें बाहर से लगे हुए हैं, कलरफुल लग रही है। भाई बात तो ये अपना ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारे 12 से 11 बजे तक। अच्छा बहुत बढ़िया। गाइस इनके ना यहाँ पे लाइव तंदूर दो बाहर लगे हुए हैं जिसमें कबाब टिक्के तैयार हो रहे हैं। किचन के अंदर हूँ मैं अभी, राइट साइड पे यहाँ पे उन्होंने पैन वैन लगा रखा है जिसपे ग्रेवी आइटम बना रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है यार, एंड द गुड थिंग इज दैट देयर इज सो मच स्टाफ, क्विक सर्विस हो रही है। गाइस ऑलमोस्ट डन हो गया, क्या है मतलब मैं वापस आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए एक बारी, एकदम फैंटास्टिक लग रहा है देखने में। यार बहुत लोग ना कमेंट कर रहे हैं कि ना मैं फेक रिव्यू दे रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली बताऊँ दैट इज़ एक्चुअली नॉट राइट यार, ऐसा नहीं होता यार। कहीं का अगर खाना अच्छा है, पहली बात तो मैं ज़्यादा वहाँ जहाँ खाना अच्छा हो, बिकॉज आई लाइक टू स्प्रेड अराउंड दोज प्लेसेज जहाँ का खाना अच्छा हो। सेकेंडली अगर खाना अच्छा है तो क्यों ना बोलूँ यार, इफ समबडी इज डूइंग हार्ड वर्क एंड ट्राइंग टू हैव देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल थ्रू माई मीडियम, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट यार, एवरीथिंग इज गुड मैन, द फूड्स गुड, ही इज डूइंग हार्ड वर्क। मैं उनको इसलिए तारीफ करता हूँ ओनली बिकॉज द क्वालिटी इज गुड, क्योंकि अगर नहीं अच्छा खाना होगा फिर भी आओगे तो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, आई डोंट डू दैट। ये भी देख लो यहाँ पे गिलौटी की तैयारी हो रही है, ये देसी की डाला गाइस, 6 पीस होते हैं गिलौटी की प्लेट के अंदर। देखो ऐसा है, मैं तो आपको ना हल्का हल्का सा किचन में ना ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, आई डोंट लाइक कि मेरे कैमरे के हिसाब से किचन चले ना, मैं हमेशा कहता हूँ किचन चलते रहे, मेरा कैमरा किचन के हिसाब से चलेगा, दैट वे आई कवर ऑर्गेनिक स्टफ दैट हैपेंस यूजुअली ऑन अ डे। तो सब लगे हुए इधर उधर, मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स ले रहा हूँ हर चीज़ का। कौन कौन से नान लग रहे हैं? गार्लिक नान है, बटर नान है, जंगली है, लच्छा पराठा है, चिली नान। ऐसा है मैं बाहर आ गया हूँ किचन के अभी अभी, लेट देम वर्क यार, अब सारा खाना टेबल पे दिखाऊंगा, सारा प्रेजेंट करूंगा टेबल के अंदर, व्हील सी क्या क्या खाने में। सच बताऊं मुझे मेन्यू समझ ही नहीं आ रहा, वो चीज़ें भरे जा रहे हैं यार, ओह मैन, बट हाँ द फूड्स लुकिंग टेम्पटिंग, ऑनेस्टली कमाल लग रहा है। और है गाइस, डिड यू सी यार उन्होंने क्या किया यार, मतलब व्हाट इज डन इज कुछ चीज़ों के ना पोर्शंस उन्होंने छोटे दिए हैं, बट उन्होंने ट्राई सब कुछ करा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्वांटिटी ज़्यादा होगी जब आप लोगे। वैसे आपको बता दूं क्या क्या है जल्दी से, ये है इनका बड़ा टिक्का मसाला, ये है इनका लेमन चिकन, ये हो गए तंदूरी चिकन मोमोज, कुरकुरे चिकन मोमोज, स्टीम चिकन मोमोज, ये हो गए इनके दही सिगार रोल्स, मलाई टिक्का, गिलौटी कबाब, गिलाफी कबाब, मटन सीख कबाब, फिश टिक्का, जंगली परौंठा, गार्लिक चिली नान, ओ मैन इतना खाना, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग स्पेक्टेकुलर अमेजिंग। इन्होंने साथ में मुझे ये ब्रेन था वहाँ मसाला दिया था जो देखने बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी दिखाऊंगा बाद में दिखाऊंगा जब बारी आएगी। है स्टार्ट करें, ऑब्वियसली वी गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टार्टर्स, सबसे पास कौन सा बढ़ रहा है, फिश से चालू करें, फिश से चालू कर लेते हैं, पास बढ़ाना, एक्चुअली मलाई टिक्का से करते हैं फिर फिश खाते हैं। लेट मी शो यू द पीस फर्स्ट, एक सेकेंड, हैव अ लुक एट दिस, ये पूरा मलाई टिक्के का पीस है, इन्होंने साइड पे प्याज दिया वही क्रीम में टॉस करके, इट्स ऑन अ बेड ऑफ कैबेज जो मुझको दिख रहा है, बटर क्रीम वगैरह सब कुछ ऊपर है, एब्सोल्युटली खिला यार, क्या लाइफ है यार। स्टार्ट करूं? ऑलराइट 3 2 1 जल्दी और सब्सक्राइब। पहली चीज जो मैं नोटिस करता हूँ ना जब भी मैं टिक्के खाता हूँ तो वो होता है कि वेदर दे आर सर्विंग ब्रेस्ट का रॉ या थाई का, ये थाई बोनलेस है, एब्सोल्युटली नाइस। सेकेंड पॉइंट आई एम हैप्पी इज ओनली बिकॉज बहुत मशी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं है, बटर भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आई हैव सीन रेस्टोरेंट जहाँ पे क्रीम और वो ऐसे भर भर के देते हैं, वो जो एक्चुअल मैरिनेशन का फ्लेवर होता है ना, दैट गोज ऑफ मैन, और वो नहीं होना चाहिए। आई लव द मैरिनेशन, द बैलेंस इज राइट, एवरीथिंग इज कूल, बहुत अच्छा लगा। हल्का सा प्याज टेस्ट करता हूँ क्योंकि इसी में टॉस्ड है, वेरी नाइस, गुड स्टार्टिंग, वेरी इंप्रेस्ड। ठीक है अब आते हैं इस पे फिश पे, सुरमई फिश यूज कर रहे हैं, एज पर दिन जब मिला तो ओनर साहब से उन्होंने कहा सुरमई फिश है, एक बार को दिखा देता हूँ हल्का सा। ऑलराइट ये है जी अंदर से परफेक्टली कुक्ड, नाइसली डन, तंदूरी फिश कमाल, हेल्दी स्टफ गोइंग ऑन, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट पता क्या जाता है, हरी चटनी के साथ
एक चीज़ मैं बताऊँगा, अगर फिश का दी मूली भी लेना और मज़ा आएगा। मूली और फिश का कॉम्बिनेशन बड़ा कूल चलता है, बट वॉट टू से मैन, ब्यूटिफुल फूड। अब क्या खाना है, खाना है आगे? ओके, अब आते हैं मटन सीख कबाब पे। कमाल लग रही है देखने के अंदर, देख लो एक बारी। ये कुछ मटन सीख है इनकी, ट्राई करूँ। ऑथेंटिक मटन, वाह। आई कैन सेंस ऑल काइंड्स ऑफ फ्लेवर इनसाइड, वाह। सिनेमन इज वेल, एब्सोल्युटली रिच, मजा आ गया। पता है ये जगह मेरी उम्मीद से एक्चुअली में ऊपर जा रही है, डिड नॉट सी दिस कमिंग। ये लोग कहते हैं ना यहाँ हर चीज़ की तारीफ करते हो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर मुझे गलत प्रूफ करना है ना, यहाँ पे आओ, वही चीज़ें ऑर्डर करो जो मैंने करी है, ताकि हम वही चीज़ें टेस्ट करें दोनों, आप भी और मैं भी। उसका मुझे बताना मेरा रिव्यू सही है कि नहीं है। अब आते हैं गिलाफी पे। बाहर से उन्होंने पेपर्स वगैरह लगा रखे हैं, आपको एक बार दिखा दूँ। ओके, ये देखो एकदम किलर लग रहा है देखने के अंदर। ओके, मेरे लिए पेपर्स बहुत सही हैं, बहुत यूनिक हैं, बट मेरे लिए मटन सीख बेटर थी एट एनी लेवल, मटन वॉज बेटर। हाउएवर पेपर्स ना बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहे हैं, बहुत फ्लेवर्स आ रहे हैं, बट स्टिल इफ आई हैव टू थिंक ऑफ अ सीख, मटन डिड वेल फॉर मी यार। अब क्या खाना है, बर्रा भी ध्यान रखना, कमाल लग रहा है, मेरी बार बार नज़र उस पर जा रही है। अच्छे बर्रा, पहले मोमोज खा लेते यार, पहले खाते चीज़ें जिससे हम ग्रीस अप हो, फिर वो चीज़ें खाएंगे जो हैवी वाली हो। ओके, आई स्टार्ट विद द स्टीम मोमोज। इन्होंने मुझे एक प्लेटर बना के दिया 3 मोमोज का, आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हो, प्लेटर भी कर सकते हो। ये है जी मोमोज का पीस, द पीस लुक्स रियली बिग। ओके, द चिकन रियली जूसी फ्रॉम इनसाइड, यू विल लव दिस। जिनको जूसी डिमसम्स पसंद है ना, उनके लिए हेवन है। दिल खुश हो गया, अ मस्ट ऑर्डर। अब आते तंदूरी वाले पे। ओके, ये तंदूरी कॉन्सेप्ट ना, बाय द वे, हम लोगों ने इंडिया में चालू किया, डिमसम जैसे नॉर्मली के मिलते नहीं हैं। ओके, लेट्स गो इन। अगर मैं स्टीम और उसको देखूँ, मुझे ये बेटर लगे। ऊपर ना ये जो मैरिनेशन है ये चिली वाली, इट्स वेरी कूल यार, बहुत इंडियन टच है। अमेजिंग। अमेजिंग के ये वाले मोमोज, कुरकुरे, ओह मैन, दिस सीम्स लाइक अ हेवी पीस। हाँ, ऑलराइट, लेट्स ओपन, दिखा दो ये वाला पीस, देख लो यार। ओके, जस्ट हैव अ लुक, ऐसा कुछ है, ओह मैन। ओके, लेट्स सी व्हिच वन्स बेटर अमंगस्ट 3। मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो फर्स्ट नंबर पे तंदूरी, सेकंड में स्टीम, थर्ड पे यार, नॉट बिकॉज दे नॉट गुड, बट जस्ट बिकॉज बहुत हैवी है मेरे यार। एक दो पीस खा लूँगा ना तो मेरा पेट ही भर जाएगा। एनी वे, तो बाय द वे ये सॉस इन्होंने रेड चटनी दी है मोमोज के साथ, ये ट्राई नहीं करी, ये भी कर लेता हूँ। नाइस, स्पाइसी है बट आई लाइक इट। नाइस, थोड़ा साइड पर रखता हूँ स्प्रेड, ऐसा ना दिक्कत हो जाएगी, कितना खाना खिला रहे हैं। Let's come on to the cigar. ये क्या था भैया, सिगार? दही सिगार। ओके, दिस इज़ वेरी यूनिक। दही के शोले तो खाए आप लोगों ने, ओके, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। द मोमेंट आई टुक अ बाइट, सच अ यूनिक फ्लेवर, आई हैव नेवर सीन अ सिगार रोल विद दही इन्फ्यूज्ड इन इट, ऐसा नहीं देखा मैंने। इट इज अ लिटल डिफरेंट, मतलब दही के शोले जैसा है, बट ट्रस्ट मी इट इज डिफरेंट। मोमोज या ये एनी टाइम, दिस इज अ परफेक्ट इन्वेंशन यार, कहाँ आ गया, वाह। हो गए, अब बारी है किसकी, बर्रा। बर्रे की शक्ल देखो, ऊपर से उसका चार देखो, कमाल। ओके, हैव अ लुक एट दिस, ये तंदूर में गया था परफेक्टली, तंदूर होने। जस्ट हैव अ लुक, ये देखो मीट अंदर से,
देख रहे हो जी पूरा एब्सोल्युटली किला. द मैरिनेशन इज सो सॉफ्ट फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से भी बड़ा किला लग रहा है. ओह वाओ मैन, ट्राई करें इसको. मटन लवर्स यू गोना लव दिस यार. ओके ओके ओके, दिस इज द बेस्ट स्टार्टअप अमंगस्ट एवरीथिंग दैट आई हैड. उसका सिरके वाला प्याज चलेगा. मटन बर्रा ने दिल ले लिया हर एंगल से. इट इज ब्यूटिफुल यार. मतलब अब मैं कॉन्फिडेंस से आपको इस वीडियो के कैप्शन में बोल सकता हूँ कि बर्रा के ट्राई करो यार. कमाल कर दिया बर्रा ने. गाइस अ मस्ट ऑर्डर. बर्रे को मत भूलना. अगर यहाँ आ रहे हो नोएडा और बर्रा ना खा के जा रहे हो तो गलत बात, गलती आपकी है. फिर अब आते हैं गिलोटी पे. ओके, ये बहुत सॉफ्ट होगा. ये देखो जी, ये इनका गिलोटी है. ये भी मंगाया था, ये भी दिखाया था. लेट्स ट्राई इट आउट यार. लेट्स सी इफ इट्स गुड और नॉट. हां, आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी. एंड प्लीज यहाँ पे आके ट्राई करना तो बताना मुझको. बर्रा और गिलोटी दोनों सेम लेवल पे हैं. दोनों यहाँ के ऑर्डर करना यार. पता हो क्या रहा है, मैं जो जो चीज़ खाए जा रहा हूँ ना, मैं आपको बोल जा रहा हूँ खाने के लिए, बट क्योंकि स्वाद ही ऐसा है. छः पीस आते हैं प्लेट के अंदर. मस्ट ऑर्डर. एक तो वो दही वाले सिगार रोल्स, बर्रा और गिलोटी अब तक के मेरे फेवरेट है. इनफैक्ट मटन सीख वॉज ऑल्सो नाइस. फिश भी कूल थी यार. बचा क्या है, सभी कूल है. ओहो ये बचा है बर्रा वाला चिकन. ओ मैन कितना खाऊंगा आज मैं यार. दिस इज गोइंग बियॉन्ड. हाँ ओके, दिस इज द पीस यार. दिस इज द पीस. ये आखिरी स्टार्टर है. ही वॉज राइट. मैंने पूछा था ये बर्रे की मैरिनेशन का फील इस पर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है. बट इसमें आई नो व्हाई इन्होंने ब्रेस्ट बोनलेस यूज किया हुआ है, वेरस बाकी टिक्कों में था ही था. बट स्टिल वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड. क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी डिशेस खा लिया ना और बेंच मार्क यहाँ नहीं यहाँ चला गया, तो उस बेंच मार्क की वजह से ना ये भी हमें को गुड लग रहा है बट अमेजिंग लग रहा है. पर अगर ये मैंने पहली बाइट ली होती ना तो मैन दिल खुश हो जाता. एनीवे अब हमारी बारी है मेन कोर्स की. बाकी तो खाई हमने है. पहले खाते हैं इनका लेमन चिकन. शक्ल देख लो एक बारी बिफोर आई पुट इट. ऐसा कुछ है जी, ट्राई करें इसको. ऑलराइट लेट्स पुट सम चिकन. एक पीस डाला थाई वाला, नॉट द लेग पीस. इसको ट्राई करते हैं. साथ में लेते हैं गार्लिक वाला चिली वाला परांठा. है मैंने अच्छी सी बाइट लिया जी. पूरा चिकन में से पूरा डाला है मसाला. एक मिर्ची लगी हुई है. ओके जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ये बाइट है जी. हैं खाएं इसको. अमेजिंग फ्लेवर कुछ ऐसा है जी. टिप्पणी बताऊं तो लेमन इज ओवर पावरिंग विच इज़ दी होल आइडिया. सो लेट्स से इफ आई एम ऑर्डरिंग सम डिश, लेट्स से गार्लिक चिकन, तो उसमें गार्लिक ओवर पावरिंग होना चाहिए. ये लेमन चिकन है, लेमन इज ओवर पावरिंग विच इज़ ग्रेट. आई लव द चिकन, आई लव द फ्लेवर्स. अब वो मत बोलना कि यार ये तो हर चीज़ ही ऑर्डर करनी पड़ेगी जो शोए बोल रहा है, बट एक्चुअली है यार ऐसा. इसको भी ट्राई करना है. यू विल लव इट मैन. हल्का सा लिस्सा लिस्सा सा है ऊपर ना. इन्होंने गार्निश का रखा है कोरिएंडर का, मिर्ची का, वो लच्छा डाल रखा है अदरक का. वेरी गुड यार. अब बढ़िए मगज की है. ओके गाइस ये है मगज. हैव लुक एट दिस. कमाली लग रहा, एब्सोल्युटली केला. इन्होंने मुझे हल्का सा एक पोर्शन बना के दिया है. सीधे आइडिया वॉज कि हम आपको ना दिखा सकें कि हम क्या क्या सर्व करते हैं. इनका आइडिया वो था. ऑब्वियसली जब आप खाओगे यू विल गेट बिगर पोर्शंस, बट टू पुट इट अक्रॉस. ठीक है यार, गुड आइडिया नो. ओके ये इनका जंगली परांठा. हैव अ लुक एट दिस यार. इन्होंने ऊपर लाल मिर्च वगैरह गार्लिक गुर्लिक डाल डूल के ए वन तरीके से बनाया हुआ है. आई लाइक द थिकनेस. पूरा बटर वटर डाल के बनाया, पूरा क्रिस्प है. ये होने वाला हैवी वाला काम, समझ रहे हो. ऑलराइट लेट्स गो इन. बेस्ट बाइट एवर. वाह तो परांठा सो क्रिस्प, सो फ्लेवरफुल. द ब्रेन
मेल्ट हो रहा है मुँह में, बस तो एक्चुअली मेल्ट ही हो रहा है। वाह बहुत बढ़िया। हल्का सा प्याज लो, मज़ा आ गया। गाइस वंस अगेन कुकरू कू सेक्टर 29। एक्चुअली मैंने खाना खाता हूँ थोड़ा सा, जो बचा उसको पैक कराऊंगा, वेस्ट ही करूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मज़ा आ गया ब्रदर, थैंक यू सर। इसे कहते हैं खाना, रूह खुश हो गई मेरी। सर आपने तो अपना फीडबैक दिया, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स एक बार ही आके गारंटेड खाना ट्राई करके देखे, वी विल नॉट नेवर डिसअपॉइंट यू। दैट्स सो स्वीट। ओके ऑलराइट गाइस, व्हाट अ वंडरफुल मील यार, दिल खुश हो गया, मतलब ना रूह खुश हो गई यार। मतलब दिस गाय द ओनर, ही इज सो कॉन्फिडेंट यार, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से खाना बनवा रहे हैं, रॉयल एंड रिच इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, एंड दैट्स द होल, दैट्स द एक्चुअल आइडिया of having a successful restaurant business. और ये वैसे ही काम कर रहे हैं, that's very very great यार, that's smart, ठीक है। सेक्टर 29 नोएडा के अंदर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, लोकेशन, एड्रेस वगैरह सब कुछ होगी, आराम से पहुँच जाना, नहीं हो तो फ़ोन कर लेना है। जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है उसके लिए तो मैं वाउच करता हूँ, ऐसे सही था, बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। आई कैन सी द शेफ एंड ऑल यार, बड़े ये सब एक्सपर्ट लग रहे हैं, काम A1 हो रहा है। आई हुए पानी आ रहा है तक खाने के बाद भी। Anyway, this is it for the video. If you like it, please share and subscribe. Subscribe and share. Channel will grow. Instagram पे रोरा शो एंड Facebook पे शो रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। Once again, thank you for watching this video. I'll see you very soon. Until then, take care. Have fun.